हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और डेली लाइफ की प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा एलसीएम्स के क्वेश्चन में, तो आप और एलसीएम को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास ये है, आफ्टर हाउ मच टाइम द सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक विल मीट टुगेदर। तो आप क्वेश्चन समझ गए कि कितने टाइम बाद किसी क्लॉक की मिनट हैंड और सेकंड हैंड और आर हैंड, मतलब घंटे वाली जो सुई है घड़ी की, मिनट वाली जो सुई है घड़ी की और सेकंड वाली जो सुई है घड़ी की, वो कितने समय के बाद जब स्टार्ट एक बार चेक करना शुरू कर देती है, स्टार्ट होने के बाद कितने टाइम बाद एक साथ मिलेंगी। ये भी हमारे पास एक डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है जो हम समझ सकते हैं एलसीएम के थ्रू, कि कितने समय के बाद वो फिर मिलेंगी, कितने टाइम बाद। 12 से मान लीजिए तीनों ने चलना शुरू करा, तीनों क्लॉक 12 पर हैं, मिनट वाली, सेकंड वाली और घंटे वाली, तीनों ने 12 से एक साथ चलना शुरू करा। ठीक है, तीनों की स्पीड अलग अलग है। अब आपको ये पता लगाना है कि ये कितने टाइम के बाद फिर जाकर एक साथ मिल जाएंगी, तो एलसीएम का यूज कर सकते हैं इसमें। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सुई, कौन सी हैंड एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है। तो मैं सेकंड हैंड से शुरू करता हूं। सेकेंड वाली जो सुई होती है वो एक पूरा क्लॉक का राउंड कवर करने में 60 सेकेंड का टाइम लेती है। कितना समय लेती है? 60 सेकेंड। ठीक है, और 60 सेकेंड को हम एक मिनट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक मिनट। तो हम ये लिख सकते हैं कि सेकेंड हैंड टेक्स 1 मिनट टू कवर अ राउंड। सेकेंड हैंड एक राउंड कवर करने में 1 मिनट का टाइम लेती है। अब नेक्स्ट मिनट हैंड, मिनट हैंड एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लेती है? 60 मिनट। 60 मिनट, तो ये 60 मिनट लेती है एक राउंड कवर करने में। अब हम आर वाले सुई की बात करें तो वो 12 आर में एक राउंड पूरा कर दिया, 12 आर। ठीक, तो आर वाली जो सुई है वो 12 आर, और अगर हम इसको मिनट में बदलें, क्योंकि ये भी मिनट में है और ये भी मिनट में है, तो ये भी हमको मिनट में ही रखना पड़ेगा। तो अगर हम मिनट में इसको कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स टू कवर अराउंड। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से हम ये पता लगा सकते हैं, ये हमको पता है पहले से, ऑलरेडी हम जानते हैं इस बात को, कि सेकेंड हैंड जो है वो एक राउंड पूरा करने में 1 मिनट लेती है, मिनट हैंड एक राउंड पूरा करने में 60 मिनट लेती है, और आर हैंड जो है वो एक राउंड पूरा करने में 720 मिनट से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा। ठीक है, तो अब हमको ये पता लग गया कि तीनों जो सुइयां हैं घड़ी की वो एक राउंड पूरा करने में कितना टाइम लेती है। अब हम इसके बाद एलसीएम का यूज करेंगे, तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लेंगे। तीनों नंबर्स कौन कौन से हमारे पास? एक 720, एक 60 और एक 1। इन तीनों नंबर्स का हम एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास 720 आ जाएगा। आप कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल के देख सकते हैं, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? 720। इट मींस 720 मिनट्स के बाद
वो तीनों सुइयां फिर एक जगह मिल जाएंगी। और 720 का मींस अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करें तो अभी आपने यहां पर देखा 12 आवर्स आ जाएंगे। तो इससे हमको क्या पता चला कि 12 आवर्स के बाद 12 घंटों के बाद घड़ी की तीनों सुइयां फिर उसी जगह आकर मिल जाती हैं। हमने एलसीएम के थ्रू किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इजी। यही आपको सीखना है गणित में। गणित में क्वेश्चन सीखने का मतलब क्वेश्चन सीखना नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखना होता है। आप क्वेश्चन तक सीमित ना रहें, आप क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट के अंदर जाएं। तो ये मैं बता रहा हूं कि 12 आवर के बाद घड़ी की तीनों सुइयां मिल जाएंगी। 12 आवर का मतलब कि 12 से चलना शुरू करा था तो तीनों सुइयां फिर 12 पर आकर ही मिलेंगी। 12 घंटों के बाद उसी जगह 12 पर ही तीनों फिर आकर मिल जाती है। इसको आप घर में चेक भी कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास, 3 डिफरेंट क्लॉक्स स्टार्ट चाइमिंग टुगेदर। चाइमिंग जो शब्द आया है इसको कहते हैं हम घंटी बजना, घंटियों का बजना। तो ये कह रहा है कि जो 3 डिफरेंट क्लॉक्स हैं उनकी घंटी एक साथ बजती है, ठीक है। देन दे चाइम एट इंटरवल्स ऑफ 12, 18 एंड 20 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इसके बाद उनकी जो घंटी बजती है क्लॉक्स की, वो पहली जो क्लॉक है उसकी घंटी 12 मिनट के बाद बजती है, दूसरी क्लॉक है उसकी घंटी 18 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी जो घंटी है, तीसरी जो क्लॉक है उसकी घंटी 20 मिनट के बाद बजती है, ठीक है। एक साथ तीनों क्लॉक्स की घंटियां बजी और घंटी बजने के बाद फिर अलग अलग क्लॉक्स की घंटियां पहली की 12 के बाद, दूसरी की 18 के बाद, तीसरी की 20 मिनट्स के बाद बजेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है व्हेन विल दे नेक्स्ट चाइम टुगेदर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक साथ तीनों की घंटियां अब कितने समय के बाद बजेगी, कितने टाइम के बाद तीनों की घंटियां, तीनों घड़ियों की घंटियां एक साथ बजेंगी। तो प्रॉब्लम एलसीएम से रिलेटेड है। आप तीनों नंबर्स का एलसीएम निकाल लें। नंबर्स आपके पास है 12, 18, 20, ठीक है। कॉमन डिवीजन मेथड 6, 9, 10, 3, 9, 5, 3, 1, 3, 5, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1. LCM हमारे पास आया 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5. 5 2 is 10 और 3 3 is 9, 9 2 is 18, 18 multiply by 10, 180. हमारे पास तीनों नंबर्स का LCM 180 आया और ये आंसर भी मिनट में आएगा क्योंकि ऊपर के नंबर्स भी मिनट्स में थे। तो ये एलसीएम 180 मिनट्स हमको ये बता रहा है कि 180 मिनट्स के बाद तीनों क्लॉक्स की घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। अब कैसे इस क्वेश्चन को हमें फील करना है। इस क्वेश्चन को आंसर तो हो गया आपका, 180 मिनट आपने निकाल लिया, ये 180 मिनट आंसर है। लेकिन केवल आंसर से काम नहीं चलेगा, जब तक हम क्वेश्चन को पूरा फील नहीं करते तब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते। तो अब हम देखें ये 180 मिनट्स में होगा क्या। देखिए ये जो पहली क्लॉक है, ये पहली क्लॉक है, इसकी जो घंटी बजती है वो 12 मिनट्स के बाद बजती है। तो 180 मिनट्स में ये कितनी बार बज चुकी होगी। तो फर्स्ट क्लॉक की बात करें अगर हम, तो 180 को अगर आप
12 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 12 बन गया 1 और ये 6 बचा 65। तो फर्स्ट क्लॉक पहली जो घड़ी है वो 180 मिनट में 15 बार अपनी घंटी बजा चुकी है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, सेकंड क्लॉक 180 मिनट में 10 टाइम्स उसने अपनी घंटी बजाई होगी। और थर्ड जो क्लॉक है वो 20 मिनट्स में उसकी घंटी बजती है, तो 9 टाइम्स। तो कहने का मतलब क्या है कि पहली क्लॉक की घंटी बजी 12 मिनट के बाद, तब दूसरी क्लॉक की नहीं बजी, तीसरी क्लॉक की भी नहीं बजी, ठीक। फिर इस तरीके से चलता रहेगा। जब 180 मिनट हो जाएंगे, 180 मिनट, तो तीनों की घंटी एक साथ बजेगी, और एक साथ बजने से पहले ये 15 बार अपनी घंटी बजा चुकी होगी, क्योंकि ये सबसे जल्दी इसकी घंटी बज रही है। इसमें 10 बार घंटी बजी होगी और इसमें 9 बार घंटी बजी होगी। तो जब इसका 9वां राउंड होगा, इसका 10वां होगा और इसका 15वां होगा, तब ये एक साथ तीनों की घंटियां बजेंगी और इतने टाइम में 180 मिनट पूरी हो चुकी है। तो ये एलसीएम इस तरीके से डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज किया जा सकता है, ठीक है।